लो जी, गुड मॉर्निंग का टाइम हो गया, बल्कि गुड मॉर्निंग तो थोड़ा बहुत ही हो गया। बहुत ज़्यादा नींदर आई सी, थकावट सी। हूँ मैं एक टैरस के उत्ते खलोता हाँ, तो पीछे है शहर वसदा पाया, तो यह मैं चाह का कप बना के तरिया पीने वास्ते। सो दूजे पास का नज़ारा भी तुम दिखाने कि स्ट्रीट किवें नज़र आ रही है जिते स्टे किया। लो जी, यह एक बिल्डिंग के सामने बड़ी वधिया जी, थले स्ट्रीट चलती पी। रश तो बहुता नहीं है इतने, सुकून जहा माहौल है। सो ये सब सुबह सुबह का मंजर है, तो ये मेरी चाय। लो जी, जेडे घर ठहरे वा इतने, आमिर खान की पुरानी को फिल्म लगी है, तो लगी रूसी जबान में। पहली दफा रशियन जबान च बॉलीवुड वेख रहा वा, तो वो ए स्वाद आ रहे। अच्छा जी, हूँ जरा थानू कमरा भी विखाइए, तो अपना संगी विखाइए। जो बंदा इंज ट्रैवल तो निकले कलम करा, तो फिर कोई ना कोई संगी तो लभ ही जाता। सो सानू इतने एक संगी लभे, थानू दे नाल मिलाने आ। ए वेख, रुस के बैठे हूँ, रब जाने की होया, बोलता नहीं। एक वड्डा जिहा संगी मैनू दित्ता इहनां ने कि बई खेडो खुडो दे नाल। सो हैलो कह जरा उज़्बकी दे विच, अशको पशको वशको कर दे कोई थोड़ा जिहा, पछतो टैप हो गई है ते। सो ये जनाब संगी है अपना, तो ये अद्धा बिस्तरा ये मल के सुता हुंदा, तो अद्धे ते सानू सोना पैंदा। ये साडी बारी है जिहड़ी बार नू खुलदी है। सो हुण निकलांगा बाहर, वेखांगा उत्थे की कुछ है, तो कोई शह लभी चाह जी तुहानू दसण वाली तो जरूर दसांगे। फिर मिलते हैं। लो जी, मैं ते मेरे रूममेट साहब जिहड़े ने इकट्ठे आ गए हैं, इन्हां दा मैं नाम नहीं रखिया, तो रखना थोड़ी देर नू। एक जिहड़ा चीज़ रह गई सी पिछले व्लॉग दे विच दस्या नहीं, या उहदा शायद क्लिप नहीं बन सकिया, जो भी है। एक तो करंसी जिहड़ी है वो अगर तुसीं अपने नाल डॉलर लैवो, अगर तुसीं पाकिस्तान तो स्पैशली आ रहे हो, तो फिर एक्सचेंज रेट थोड़ा बेहतर है। जाहिर है पाकिस्तानी रुपये के नाल जो हुंदा है पिया, उस बारे दसण की बहुती लोड़ नहीं गी। सो ये जनाब थोड़े जे नाल डॉलर शालर मैं लाए, इन्हां चों कुछ एक्सचेंज जिहड़े ने कराए ने, तो वो आ निकल आए ने। तो ये इन्हां दी करंसी है, इहनूं कहिंदे ने जनाब मन्नत। तो इहदे च इंट्रस्टिंग चीज़ की सी जिहड़ी मैं क्विकली तुहानूं दस्सना वा, 1 रुपए का जिहड़ा इन्हां दा नोट है ना, उहदे उत्ते जनाब यह बनया म्यूजिक, ठीक है। तो मतलब आर्ट म्यूजिक नूं प्रमोशन वास्ते, या उहदा कॉन्सैप्ट थोड़ा जिहा मैनूं इह लगदा पिया कि कंट्री किड्डी प्रो आर्ट वगैरह। और जिहड़ा 5 रुपए का नोट इन्हां दा, उहदे उत्ते यह बनया, यानी कुछ किताबां ने और कुछ लिखण लिखाण वाला हिसाब किताब है, शेर व शायरी है, या अदब है, या लिटरेचर है। सो इवें कौम अपने आप का सॉफ्ट इमेज भी दसदियां ने, और उन्हों कबूल भी कर दें। साढ़े तो कोई पुराना पुल बनया हों, या कोई बहुत ही कोई पुरानी बिल्डिंग बनी होंगी है, थोड़ा जो माजी प्रस्ती वाला ज़्यादा चक्कर है, थोड़ा फ्यूचर वाली चीज़ा घट नज़र आदियां ने साढ़े नोट के उत्ते। बाकी फिर अगों फिर नोट बदते जाते हैं, चीज़ा बदल दिया जा। सिंबल बड़ा मैंने हले तक नहीं पता कि की एक गुंबद जहा बनया मसीत का, तो ये तुहानू इदां दे जिहड़े सिक्के ने ठीपे ने उन्हां ते भी नज़र आएगा। और यह जनाब इन्हों का फिर 100 का नोट है, नक्शा बनया इन्हों का बाकू का, तो यह पता नहीं की बनया जो भी। सो करंसी वाला चक्कर है, वेख के तुसीं डॉलर लैके आओ तो ज़रा आसानी हो जाएगी। पाकिस्तानी रुपइया का की एक्सचेंज होएगा, वह फिर मेरा ख्याल तुहानू बहुत ज़्यादा कैश लैके आना पेगा। सो ये चक्कर ने। तो हाँ जी भैन, तुसां कदों को पूल इन करना, कुछ कढ़ो 4 पैसे तुसीं भी, अमेरिकन स्टाइल बनाओ, ये कोई तरीका नहीं है यार। यह गलत है कि मैं पैसे ला रहा ही नहीं लाता पाया। चलो वेखते हैं कि अगों बनता, तो अगली कहानी शहर से जाके वेखने। अज मैं जाना एक अलहमरा वर्गी जगह के उत्ते, जोड़े लोग लाहौर तो ने उन्होंने पता कि अलहमरा की है, जोड़े बहर देने उन्होंने कोशिश करा दसन की। चलो चलने। जिमें मैं तुम्हें कहा कि लाहौर वाली बथेरिया छावें ने इतने आके भी, यह वेखो मैं कि लगा किधर गया। ए जनाब दर्जी, ठीक है।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਦਰਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦਰਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟੈਲਸ ਔਰ ਮੋਟੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰੀਅਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਹੈ ਸੋ ਚਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸ਼ਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਔਰ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਿਆ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਠੰਡੇ ਜੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚਿੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਧਨੀਆ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਬੀਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਸਟਰੀਟ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਬਥੇਰਾ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲਹਮਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਅਤੇ PN ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PNCA ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਐਫ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਿੱਲੀ ਚਿੱਲੀ ਬੇਰੀ ਮੱਛੀ ਸੀੜ ਮਰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਚਿੱਲੀ ਬੇਰੀ ਮੱਛੀ ਸੀੜ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ
जिद आर्ट ऑफ लाइट है ये कोई आर्ट वर्क है लाइट के जरिए बनाया ने शायद आर्टिस्ट जिदी फोटो लगी है डिस्प्ले है नाल नाल तुहानू मैं क्विकली विखा दें क्योंकि इन डेप्थ खलो के डिटेल ना तो नहीं वेख्या जा सकता वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी छोटा जहा चंक विखा दें फिर अगे वादने आप मैं रज के वेखूंगा बाकी चीज़ा भी थोड़ा थोड़े कि डिस्प्ले लो जी ध्यान पिया साठ के उत्ते तो दूरों मुने इंज लगा कि कोई ट्रक वाले की दुकान है क्योंकि ये तो बड़ा ट्रक आर्ट है साढ़े अर्गा उस तरह का हिसाब भी है और ये उड्डने परिंदे जिदे उत्ते औरत का मूँह लगा हो इस तरह दाड़िया कहानियां भी है ने कुछ तो ये इतने भी इन्ह के सेंटर च भी नज़र आई है सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू आर ट्रक आर्ट इन समथिंग तो इन्हों के फ्लोर दर फ्लोर ने जिद एग्जीबिशन चलती है यह जनाब कारपेट है और अजरबाईजान वाले अपनी कारपेटरी काफ़ी सैलीबरेट करते हैं और उन्होंने एग्जिबिट भी करते हैं थोड़ी देर पहले भी मैं तुम्हें एक कारपेट बन दे विखाया से जिदे डिज़ाइन जहाँ ने बना के मॉडल रखा से यह तंद नाल तंद जुड़ती है पे और एक कारपेट बनाते हैं इस तरह यह सारा कुछ तुम इतने नज़र आएगा डिटेल के नाल उन्होंने दसिया ने चीज़ा कारपेट्स के मॉडल भी है ना और एक कारपेटरी वाला कोई सैक्शन ही है जिथे रश रुश्क बहुता नहीं है सो इन्हां दे खूबसूरत कारपेट ही कैमरे च पता नहीं उन्ने खूबसूरत लग रहे ने कि नहीं पर रंगा तो लैके तो डिज़ाइन तक बड़ी ही मेहनत नाल बनाए गए कारपेट है ना द डांस ऑफ लूप्स अजरबाईजानियन कारपेट के बारे डाक्यूमेंट्री है जनाब यह एक जगह इन्होंने बनाई है बड़ी ही मज़ेदार एम्बियंस है कंधा ने दिया जिन्हें सोफे लाए ने प्रोपर साउंड आ रहा है और सामने स्क्रीन लाई है जिदे उत्ते तुहानू अजरबाईजान के कारपेट की कहानी परदे ते विखाई जाती है जिथों तुसीं वेख के काफ़ी इनफॉर्मेशन लै सकते हो उत्थे बह के मैं डाक्यूमेंट्री वेख रहे हैं और मैं क्या चलो एक क्लिप तुहानू इहदे विच विखाई है कि की इहदे विच हुंदा पिया उतले पासे वेखीए उत्तों चढ़ के ते घर घर इहो अग वाला साहब है कि यह जिन्हें भी इन्हां दे फेमस बिल्डिंग्स ने मॉन्यूमेंट्स वगैरह ने उन्हां दा छोटा छोटा इन्होंने डिज़ाइन जो बना के तो लाए ने जो तुम इतों पढ़ सकते हो वेख सकते हो और ये थले तक यही सिलसिला चल रहा है सो दिस इज ईव इन अ रोबोटिक फॉर्म सो चैट जी पी टी और ए आई आने तो बाद हो सकता है कि ईव इंज दी होवे ए जी आई एस मम्मी है या इसी मम्मी डॉल है जी मिस्र विच लभी सी मम्मी की फोटो तो यह वे जी तुम याद है लेकिन अगर वो असली हालत होंगी तो शायद इंज की होंगी ये एक आर्टिस्ट की अख तो यह नज़र आ रहा है
लो जी दुनिया में अर्तुगरल गाजी तो अलावा बड़िया चीज़ा ने यह ना पढ़ो डेवरम एरबिल टर्किश आर्टिस्ट है विद लव उन्हें लिखे है तो कंटैंपररी टर्किश आर्ट जोड़ा है वो एग्जीबिशन हैगी है और यह सारा वह काम है गया। सो इत जिन् पेंटिंग्स ने जो भी आर्ट है ये उस टर्किश आर्टिस्ट जोड़े लोग आर्ट न जुड़े ने ज़्यादा बेहतर तरीके जानते हो गए यानी फाइन आर्ट न जुड़े और इस मीडियम न जुड़े हुए। सो ये तकरीबन आज़रबाई जान न ही बनाया लेकिन अपने स्टाइल दे विच जिहड़ा वी दा कोई स्टाइल है। सो बड़िया वधिया पेंटिंग्स ने और सारा शहर वगैरह बनाया इन्हें पोर्ट बनाए ने होर सारिया चीज़ा। मीडियम की गल करिए तो मुख्तलिफ मीडियम ने हुण जिवें इन्हें कारपेट के उत्ते बनाया और ऑयल ऑन कैनवस भी है मिक्स मीडिया भी है इस तरह दिया दो तीन टर्मा मैं याद ने और पता ने जिहड़िया मैं इन्हां कोल पढ़िया भी ने। सो हर तरह का मीडियम इन्हें वरत्या और यह सारा कुछ ये बनाया है।